फीह हसनत मुस्तक और वो लोग जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें अपने अजवाज और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अतः फरमा और हमें मुत्त लोगों का इमाम बना यही लोग हैं जो अपने सब्र के बदले जन्नत में बाला खाने दिए जाएंगे और वो उसमे दुआ खैर और सलाम से इस्ताल किए जाएंगे उसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे कितना अच्छा ठिकाना और कितनी अच्छी क्याम गाह औलाद के लिए दुआ मांगना अम्बिया और अहल ईमान का शेवा रहा है इब्राहिम ने दुआ की थी ऐ मेरे रब मुझे नेक अता फरमा अहल ईमान की दुआ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र की है वो ली फी जुर्रियती और मेरी खातिर मेरी औलाद की इस्लाह कर दे जकरिया ने दुआ की थी फहबली मिल्ल का बलिया मिन विस याकूब रबिया मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरा वारिस बने और आले याकूब का वारिस हो और ऐ मेरे रब। उसे पसंद किया हुआ बना वो ऐसा हो जिससे तू राजी हो जाए वो पसंदीदा हो इब्राहिम सलाम ने दुआ की थी रब जालनी मुकीम सलाती रब्बना व वब्बल दुआ ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी नमाज कायम रखने वाला बना, बनाब मेरी ये दुआ कबूल फरमा अहले ईमान हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं सूरत अल-फुरकान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये इबादुर रहमान से मुतल्लिक आयत हैं। कि रहमान के खास बंदे रहमान के पसंदीदा बंदे अल्लाह तला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपनी अजवाज से और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक ठंडकता फरमा याद रखिये ये दुआ हर साहेब ईमान का शेवा है हर मोमिन को ये दुआ करते रहना चाहिए चाहे हमारी औलाद नेक ही क्यूँ ना हो चाहे वो फरमा बरदार ही क्यूँ ना हो चाहे वो कुरान की हाफिज ही क्यों ना हो चाहे वो दीन की आलिम ही क्यूँ न हो फिर भी ये दुआ मांगते रहना चाहिए इसलिए कि दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान होता है वो जैसे चाहे उन्हें फेर सकता है हमें नहीं मालूम कि आज अगर हमारी औलाद दीन पर है तो कल उसका मुस्तकबिल क्या होगा इसलिए कभी भी इस बारे में बेफिक्र नहीं होना चाहिए नेक से नेक तरीन औलाद भी हो तहजुद गुजार भी हो सायम और कायम हो लेकिन फिर भी दुआ करते रहें। अगर आपकी औलाद नेक है तो आपकी दुआएं उनकी नेकी में इस्तकामत और इजाफे का सबब बनेगी यानी वो मजीद नेक बनेगी उनके अंदर मजीद इस्तकामत आएगी और फिर इसी तरह उनका ईमान भी बढ़ेगा और अगर वो नेक नहीं है और अगर वो आपकी आंखों की ठंडक नहीं है तो इस दुआ से इनशाला वो आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे तो हम सबको भी ये दुआ करते रहना है कि अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना और उनको मुत्तकीन का इमाम बना यानी तकवा वालों की सोहबत में हो और तकवा वालों में भी सबसे आगे हों तकवा भी मजीद लीड करने वाले हों उनकी रहनुमाई करने वाले हों और फिर ये कि वो हमारी आंखों की ठंडक भी हो यानी जहाँ वो रब के पसंदीदा हो वहाँ वो हमारे लिए भी बायस सुकून हो इसके साथ साथ इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपनी औलाद की नेक तरबियत भी करता रहे क्योंकि तरबियत की कोशिश करना जो है एक सबर आजमा काम है इसीलिए इस आयत के बाद जो आयत आती है उसमें सबर करने वालों की जजात जन्नत में गुरफा बताई गई है अरबों के हाँ घर के अंदर जितने भी कमरे होते हैं उनमें से सबसे बेहतरीन कमरा गुरफा कहलाता है सबसे आला तरीन दर्जा तो जन्नत में भी जब गुरफा की बात है तो इससे मतलब कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है क्योंकि वो एक जगह पर आता ना कि गुर्फात पर गुर्फात मबनिया होंगे तो इससे मुराद ये है कि जन्नत के आला तरीन मकामा अल्लाह ताला उनको अता करेगा जो सब्र के साथ तरबियत भी करते रहेंगे और सिर्फ अपनी तरबियत और अपनी कोशिश को काफी नहीं समझेंगे बल्कि अल्लाह तला से दुआ भी करेंगे और बहुत दफा ऐसा भी होता है की हम तरबियत में पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन उसका असर में नजर नहीं आता आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं उतरती आप जैसे उनको देखना चाहते हैं वैसे वो नजर नहीं आते क्या हम नूअसलाम की तरबियत पे कोई शक करेंगे उनके चार बेटे थे जिनमें से तीन बेहतरीन बेटे साबित हुए लेकिन एक बेटा अपने ही रास्ते पर चल निकला तो इसमें इंसान की कोशिश अगर हो और इंसान के बस में हो औलाद की तो वो सभी को सीधा करके रख दे लेकिन याद रखिए कोशिश हमारी दुआ हमारी और उसमें असर डालने वाला और उसको हमारी आंखों की ठंडक बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा रब है इसलिए मोमिन सिर्फ अपनी कोशिशों पे भरोसा नहीं करता बल्कि वो अपने रब को पुकारता रहता है और फिर आमतौर पर यह होता है कि हम इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा नहीं बनाते हाँ जब औलाद की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है जब वो हमारी कोई बात नहीं मानते या हमें नाराज करते हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि इनकी इलाह हो जाए और ये सीधे हो जाए और हमारी आंखों की टंडक बन जाए याद रखिये ये सिर्फ औलाद के बिगाड़ के वक्त की दुआ नहीं है बल्कि हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी की खास दुआओं में इस दुआ को शामिल कर लें अपनी नमाजों में सजदों में कबूलियत के औकात में अपनी औलाद के लिए दुआ करें क्योंकि औलाद इंसान की महबूब चीजों में से है जिनको अल्लाह ने औलाद की से नवाजा है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में औलाद का क्या मकाम है यानी जब तक इंसान वाले नहीं बनता माँ बाप नहीं बनता वो इस बात को समझ ही नहीं सकता की औलाद क्या चीज होती क्योंकि इंसान जिंदगी में से मोहब्बत करता है मुख्तलिफ चीजों के साथ इंसान का लगाव होता है मुख्तलिफ काम या मुख्तलिफ चीजें उसको पसंद आती है लेकिन जब एक औरत माँ बनती है एक मर्द जो है वो बाप बनता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी में जो तब्दीली आती है उसके बाद उसकी जिंदगी के अंदर जो खूबसूरती आती है उसके बाद उसकी जिंदगी का जो मेहर और मरकज बन जाता है और उसकी तमाम तवज्जो का मरकज जो चीज बन जाती है और दिन रात की ये ड्यूटी ट्वेंटी फोर सेवन की होती है यानी बाकी चीजों से तो आप किसी वक्त अलग भी हो सकते हैं मगर ये वो रिश्ता होता है जिससे आप फिर मरते दम तक अलग नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके जिस्म का एक हिस्सा होता है और अल्लाह ताला आपके दिल में हर चीज से ज्यादा उनके लिए मोहब्बत डाल देता है और उनकी खुशी आपको खुश करती है और उनका दुख आपको दुखी करता है इसलिए इंसान को हमेशा अपनी दुआओं में ये खास दुआ करते रहना चाहिए और कबूलियत के औकात में भी क्योंकि औलाद से मिलने वाली आंखों की ठंडक उसी वक्त होती है जब औलाद सीधे रस्ते पर होती है जब औलाद नेक होती है अच्छे काम कर रही होती है तो फिर ही माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है और इस दुआ के दूसरे हिस्से में अपने लिए दुआ है की अल्लाह हमें मुतकीन का इमाम बना यानी औलाद जो है हम उसके एक तरह से इमाम होते हैं जैसे हदीस में आता है ना व कुल्लू ही तो हर एक हम में से राय हर एक लीडर हर एक जिम्मेदार है तो अल्लाह ताला हमें माँ बाप की हैसियत में ऐसा रोल मॉडल बना कि हम मुत्तकी हों और हमारी औलाद भी मुत्तकी हो यानी हमारी औलाद में भी नेकी हो और फिर हम नेकी के साथ आगे उनकी रहनुमाई करने वाले हों और वैसे जनरल सेंस में देखें तो उसमें इंसान को एक हाईएस्ट मकाम हासिल करने की दुआ यहाँ सिखाई गई है और वो क्या कि इंसान ऐसा इंसान हो कि जिसे देख कर लोग मुतकी बन जाएं यानी दूसरे लफ्जों में ये कि नेकियों में सबकत करने वाले हों नेकियों में आगे बढ़ने वाले हों ताकि दूसरे लोग भी हमें देख कर नेक बन जाए मसलन अगर एक मर्द अव्वल वक्त में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है तो उसके बच्चों पर उसका क्या इम्प्रेशन होगा यानी अगर बाप जिम्मेदार है तो बच्चे भी देख कर कहेंगे कि हाँ हमें भी यही काम करना है क्योंकि बच्चे इब्तदाई जिंदगी में खासतौर पर बाप को माँ को बहुत फॉलो कर रहे होते हैं फिर इसी तरह अगर आपका पड़ोसी आपको देखता है आपके कुलिग्स आपको देखते हैं कि आपकी तो सबसे ज्यादा किस चीज की तरफ है तो वो भी आपकी देखा देखी नेकी के काम में आगे बढ़ते हैं आप सदका करते हैं और कोई आपको देख रहा है आपका मकसद नहीं दिखाना लेकिन किसी को नजर आ जाता है तो आपको देख कर वो भी शुरू कर देता है तो आप उसके क्या बन गए इमाम यानी आप लीड कर रहे हैं आप आगे हैं और वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये दुआ करनी चाहिए अपने लिए कि अल्लाह हमें नेकी के कामों का इमाम बना मुत्तकीन का इमाम बना तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इबाद रहमान की सिफात में से एक सिफत है और वो कहते हैं वल्ल ना हब लना हब का लफ्ज़ जो है ये हिबा से है और हिबा कहते हैं बिला मुआवजा कोई चीज देना यार अब हमने कुछ किया नहीं लेकिन तू अपने पास से हमें अता फरमा अपनी खास रहमत से हमें ये अता फरमा मिन अजवाजिना अजवाज का लफ्ज जो है ये जॉज से है जिन और हैवाना इन सब में नर और मादा पाया जाता है जो हर एक दूसरे का जौज कहलाता है यानी औरत के लिए भी ये लफ्स इस्तेमाल होता है और मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है अगर मर्द ये दुआ करेंगे तो अपनी बीवियों के लिए करेंगे कि हमारी बीवियां हमारे लिए आंखों की ठंडक हो और अगर औरतें ये दुआ करेंगी तो उनके अजवाज उनके खामन होंगे कि उनको हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और जरूरियात से मुराद जरूरीत जो है सिर्फ औलाद नहीं होती औलाद की औलाद भी जरूरीत कहलाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और वो किसी काबिल होती बड़ी होती फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो बाज़ात अपने बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चे प्यारे हो जाते हैं और अगर वो नेक बनते हैं तो हमें आंखों की ठंडक नसीब होती है और अगर बच्चों के बच्चों में कोई बिगाड़ आ जाए तो आप इक्वली दुख और तकलीफ में मुबतला हो जाते हैं तो इसलिए ये बहुत जामे दुआ है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो रबना हब लना मिन अजवाजना व जुर्रियातना और जर्रियात में कुर्रता आयुन आंखों की ठंडक आपको मालूम है कि आंखें ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं आंखों से जब आंसू बहते हैं खुशी के आंसू बहे तो आंखें ठंडी होती हैं और अगर गम के आंसू हो तो आंखें गर्म हो जाती हैं तो आंखों की ठंडक का मतलब है खुशी मसरत और फिर ये आंखों की ठंडक हो तो इंसान पुरसकून रहता है नींद भी सुकून से आती है बच्चों की तरफ से अगर इंसान को बेफिक्री हो कि वो अच्छे काम कर रहे हैं अच्छी जगह पर हैं, सेफ हैंड्स में हैं, तो इंसान के बहुत से गम दुख परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, वो बेफिक्र हो जाता है और फिर इसी तरह यह है कि जब आंखों की ठंडक होती है तो इंसान के दिल को भी करार मिलता है यानी आंखों की ठंडक सिर्फ आंखों तक नहीं रहती बल्कि आंखों से इंसान जो कुछ देखता है वो उसके दिल तक उतर जाता है इबन अब्बास कहते हैं इससे मुराद उनकी वो औलाद है जो अल्लाह की इताअत के काम करे ताकि दुनिया और आखिरत में उन्हें आंखों की ठंडक नसीब हो यानी जो बच्चे नेक होते हैं वो माँ बाप के लिए उनकी जिंदगी में भी खुशी का बायस होते हैं और जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो वो उनके लिए सदका जारिया बन जाते हैं और फिर जब के दिन उठेंगे और औलाद और को अल्लाह वाल सुबह जमा कर देगा अपनी जन्नतों में तो ये वहाँ भी उनको देख देख कर खुश होते रहेंगे ऑब्वियसली जो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं जा सकेंगे जो माँ बाप का दीन छोड़ गए या उनका रास्ता छोड़ गए या नमाज रोजा छोड़ गए तो फिर जाहिर है के वो बच्चे चाहे दुनिया में कितने भी कामयाब क्यों ना हो वो आखिरत में साथ नहीं होंगे तो इसलिए जब ये दुआ करते हैं तो इसमें उनकी हिदायत और सलाह की दुआ भी आ जाती है यानी यहाँ इस दुआ से मुराद सिर्फ बच्चों का जाहिरी हुसन और खूबसूरती और उनकी दुनिया की कामयाबियां और दुनिया में उनका मालो दौलत कमाना ये भी ठीक है खुशी की बात होती है बच्चा खूबसूरत हो तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है बच्चा अगर कामयाब हो कोई डिग्री कर ले तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है बच्चे को अच्छी जॉब मिल जाए तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं और जो माँ बाप सिर्फ दुनिया के लिए जीते और जिनका मतलब और मकसद एम और गोल सिर्फ दुनिया कमाना होता है वो इन्हीं बातों पर खुश होते रहते हैं लेकिन जो अहले ईमान होते हैं उनकी खुशी सिर्फ इस चीज में नहीं होती उनकी खुशी औलाद की नेकी में होती है कि हमारी औलाद नेक हो तो जब हम ये कहते हैं कि हमें आंखों की ठंडक तो मतलब ये होता है कि अल्लाह वो तेरे इताद गुजार हो फर्मा बरदार हो खैर और भलाई के कामों में आगे जाने वाले हों अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से करने वाले हों गुनाहों और हराम कामों से बचने वाले हों और वजना लिल मुतना इमामा अल्लाह हमारे माता है जितने भी लोग हैं वो सब मुत्त हों यानी एक तरफ औलाद के लिए दुआ और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो हमें फॉलो करते हैं या जिनके ऊपर हम जिम्मेदार बनाए गए हैं कि या अल्लाह उनके अंदर भी तकबा पैदा कर दे हमारी औलाद तो नेक हो लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं जिनके आप जिम्मेदार है मसला अगर आप उस्ताद हैं और आपके शागिर्द है या आप एक लीडर है कम्युनिटी लीडर है और आपके बहुत से फॉलोअर्स है या इसी तरह और जो भी काम आप लीडरशिप रोल में करते हैं तो या जो लोग आपकी आपकी जो टीम है उसको भी मुतकी बना दे उसके अंदर भी अपनी मोहब्बत पैदा कर दे कितनी खूबसूरत दुआ है जाहिर है कि इंसान उन्हीं लोगों के साथ होता है या तो घर में होता है या बाहर काम पर होता है जब घर में होता है तो क्या होता है बीवी और बच्चों को देखकर इंसान अपनी आंखें ठंडी करता है उसको एक पुरसकून माहौल मिलता है और जब वो घर से बाहर होता है अपनी जॉब पर होता है अपनी टीम के साथ होता है तो उनकी नेकी उनका अखलाक उनका तकवा देख देख कर उसकी आंखें ठंडी होती रहती सिंसियर मुखलिस साथियों का मिल जाना ये अल्लाह तला की बहुत बड़ी नमत होती है और फिर आप देखिए कि ये ना सिर्फ उनके तकवा की दुआ है बल्कि जो खुद बुद् तकी बनने की ख्वाहिश रखता होगा वही चाहेगा कि उसकी साथी और उसके माहौल के लोग और उसके आसपास के लोग तकवा वाले हों और ये माना भी इसका बनता है की अल्लाह तू हमें इतना तक्वा अता कर कि हम मुत्तकीन के इमाम बन जाए न उन मुत्तकीन में से भी सबसे आगे हो तकवा में लिल इमामा, यानी हमें हिदायत का इमाम बना लोगों को हमसे हिदायत हासिल हो गुमराही का इमाम न बने क्योंकि अल्लाह तआला ने खुशबक लोगों के बारे में फरमाया सूरत लम्बिया में व जाम अम्मत यहदून बम्रिना वही इलैहिम फैल अल खैरात व इका मसलाती व ईता अजक़ात व आबिदीन और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और जक़ात अदा करने की वही भेजी और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे तो इससे क्या पता चलता है कि हमने उन्हें ऐसा पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे ये है मुत्तिन के इमाम कि जो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह ही के दी हुई जो तालीम और हिदायत है उसके मुताबिक लोगों को गाइड करते हैं सिर्फ अपनी मन पसंद चीजों या अपनी तरफ से चीजें ईजाद नहीं करते और अहल शिकावत लोगों के बारे में आता है यदून हमने उनको ऐसे इमाम बनाया जो लोगों को आग की तरफ बुलाते जैसे फिरा था कारून और इस तरह के लोग के लोग उनको फॉलो करते थे और वो खुद भी आग की तरफ जाने वाले जैसे फिरौन के बारे में आता है आतामती वारे क्या के दिन वो अपनी कौम को लीड कर रहा होगा और उन्हें आग में ले जाके गिराएगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खैर में अच्छा नमूना बने और वैसे भी आप देखें कि इंसान के इम्प्रेशन होते हैं इंसान जो कुछ करता है अच्छा करता है या बुरा करता है उसके आसार होते हैं है नहीं। आप अच्छा करते हैं और आपको देख के जितने लोग खामोशी से अच्छा कर लेते हैं वो सारे आपके आसार हो गए और उन सब की नेकी आपकी नेकी में जमा हो गई और आपको देखकर अगर कोई शख्स गलत ट्रेंड इख्तियार करता है तो उसकी कबाहत भी आपके पल्ले में पड़ गई तो मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए याद रखिए दो चीजें बड़ी अहम है एक है सबर और दूसरे है यकीन सबर और यकीन ये दो चीजें हों तो ये मकाम हासिल किया जा सकता है अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं वजअलना मिनहुम अमत यह नबी लम्मा सबरू वकानू बयातन और जब उन्होंने सबर किया तो हमने उनमें से ऐसे इमाम बनाए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे और वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे याद रखिए एक बच्चे की तरबियत सबर आजमा काम होता है और उसके बारे में होपफुल रहना भी बड़ा जरूरी होता है क्योंकि अगर हम सबर का दामन छोड़ दें और ये कहे की ये तो मानने वाले नहीं और ये हमारी सुनते नहीं ठीक है जो चाहे करे और उनको खुली छुट्टी दे दें तो वो तो बिगाड़ की आखिरी हद को पहुंच जाएंगे आप खुली छुट्टी दे देंगे नहीं आपको अच्छे अखलाक के साथ रवैये के साथ वक्तन फवक्तन उनकी असलाह का काम करते रहना है और ये सबर आजमा काम है यानी बाजुकत आपका दिल अंदर से कट रहा होगा आप शदीद गुस्से का शिकार होंगे शदीद नफरत का शिकार होंगे उनके किसी गलत काम पर लेकिन आप उसका ऐसा इजहार नहीं करेंगे कि जिससे वो हमेशा के लिए आपको खैर बात कह के चले जाएं और आपसे कट जाएं। क्योंकि आप देखें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की नैगिंग से और माँ बाप की बद और बदसलूकी से फिर वो हमेशा के लिए उनको छोड़ ही जाते हैं तो ऐसा कोई तरीका अख्तियार नहीं करना कि जिससे वो दूर हो बल्कि मोहब्बत के साथ यानी अगर उनके अंदर आप देखते हैं कोई चीजें ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं तो मोहब्बत के साथ और सब्र के साथ दुआएं करते करते उनकी असलाह करते जाएं हो सकता है आप अपनी जिंदगी में ना देखें वो दिन जिसको आप देखना चाहते हैं लेकिन मरने के बाद आपको उनकी दुआएं पहुंच रही हूँ आपकी वो मेहनत जाया नहीं जाएगी तो लम्बा सबरु, सबर करना बहुत जरूरी है और फिर यह है कि उनकी तरफ से जितनी भी आजमाइशें आए उनकी तरफ से जो तकलीफे आपको पहुंचे क्योंकि जो भी माँ बाप बनते हैं वो सब जानते हैं कि औलाद की तरफ से बाजूकात आंखों की ठंडक से ज्यादा तकलीफे पहुँचती यानी वो आपका मकाम नहीं समझते जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते उनको समझ नहीं आती कि माँ बाप का मकाम क्या है और माँ बाप की तकलीफ क्या है लिहाजा ऐसे तमाम मौा पर सब्र से काम लेना है और दूसरा ये कि यकीन रखना है बे यकीनी ऐसी दुआ नहीं करनी यकीन रखना कि अल्लाह मेरी दुआएं सुनता है और वो जरूर सुनेगा लम अकुम बे दुआ एक करब बे शकिया अरब मैं तुझसे दुआ मांग कर कभी बदबक हुआ ही नहीं तू दुआ का सुनने वाला है ऐसी दुआ करने वालों का अंजाम बहुत बेहतरीन है अल्लाह ताला फरमाते हैं उला नल फता ऐसे नेक बंदे जिनके अंदर ये सिफात हो जो ये चाहते हों कि उनकी औलाद अच्छी हो जाए उनके अजवाज उनकी बीवी या शौहर अच्छा हो जाए और फिर सबर के साथ ये सब काम करें तो फिर उनका अंजाम भी बहुत अच्छा है और वो क्या है कि जन्नत का अला तरीन मकाम जैसा की सूरत कबूत में आता है अनहार, वल्लीना व अला रबी हिम तबून और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए हम उन्हें जरूर ही जन्नत के ऊंचे घरों में जगह देंगे यानी बेहतरीन मकाम पर जगह देंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हैं यानी ऊपर जब होता है तो नीचे का सीन ज्यादा बेहतर नजर आता है हमेशा उनमें रहने वाले हैं दुनिया में आप अगर कोई ऐसी जगह पर 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 किसी 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 सी साइड बेहतरीन सीनरी और ग्रीनरी ग्री के हाईएस्ट फ्लोर पर पेंट हाउस खरीद भी लें रह भी लें लेकिन आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है कि पता नहीं कब दुनिया से चले जाना है या अगर रेंट पर रह, रह रहे हैं तो पता नहीं कब यहाँ से निकलना पड़ जाए तो आप पूरी तरह इंजॉय नहीं कर सकते यानी इंसान जितना भी चाहे दुनिया में कम्प्लीट इमेंट है ही नहीं क्योंकि इसके साथ कई मसाइल और कई मुश्किल होती हैं लेकिन आखिरत में बुलंद तरीन मकाम वो उसमें हमेशा रहेंगे निकलने का उसको छोड़ने का उसके खराब होने का उसकी मेंटेनेंस का कोई फिक्र ही नहीं है सिर्फ एंजॉयमेंट ही है नह लेकिन ये किसको मिलता है जो अमल करते हैं जो काम करते हैं जो मेहनत करते हैं कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का कौन है वो अमल क्या दो अमल बताए गए अल्लादीन सबरू व अला रबक् वो जो सबर करते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं भरोसा करते हैं और उसके अलावा हदीस से भी इस मकाम को हासिल करने की बात हमें पता चलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती लोग अपने से बुलंद कमरे वाले को वालों को अपने ऊपर ऐसे देखेंगे जैसे वो दुनिया में चमकदार गहरे सितारे को देखते इतने बुलंद होंगे उनके मकाम तो आप सोचिए कभी आप जब जहाज पर विंडो सीट पर बैठे होते हैं तो आप जब नीचे देखते हैं तो, के तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नजर आते हैं तो आप सोचिए कि जिसका घर वो सितारे की जगह पर हो हुँ? इतना बुलंद मकाम उसको मिल चुका हो तो फिर उसको क्या कुछ नजर नहीं आएगा नीचे फरमाया कि जिस तरह वो दुनिया में चमकदार गहरे सितारे को देखते हैं जो आसमान के मशरकी मकरबी किनारे में बहुत दूर होता है उनमें से एक दूसरे से अफजल होगा लोगों ने अर्ज किया या ये तो के महल होंगे जिन्हें उनके सिवा और कोई ना पा सकेगा आपने फरमाया नहीं उस जी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर ईमान लाए और अम्बिया की तस्दीक की एक और रिवायत में आता है बेशक जन्नत में ऐसे गोरफ है जन्नती उनके बाहर वाले हिस्से को अंदर से देख सकेंगे और अंदर वाले हिस्से को बाहर से देख सकेंगे अल्लाह ने ये ऐसे शख्स के लिए तैयार किए हैं जो लोगों को खाना खिलाए और सलाम आम करे और रात को नमाज अदा करे जब लोग सो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान ऐसा महीना होता है कि जिसमें आप ये तीनों काम कर सकते हैं आपकी हिर्स होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफ्तार कराया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया जाए यानी उनको खिलाया जाए और जब आप मस्जिद जाते हैं तो तरावी भी होती है और बहुत से लोग मिल जाते हैं तो सलाम पे सलाम हो रहा होता है या दीनी मजालस का जोर होता है रमजान में जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करके सलाम के मौके आते हैं और ये सिर्फ रमजान ही के लिए नहीं है बल्कि सारा साल इंसान ऐसे कामों की रबत रखे ऐसे कामों से मोहब्बत करे और उनकी जन्नत में वो क्या होगा वही नफीहा तहिया तम व सलामा वहां उनको सलाम और दुआ दी जाएगी तहिया कहते हैं जिंदगी की दुआ देना यानी उनके के लिए ऐसे फरिश्ते मौजूद होंगे जो उन्हें सलाम भी करेंगे और सलामती की दुआएं भी देंगे जब कोई सलामती की दुआ आपको देता है तो कितना दिल खुश होता है तो वहां फरिश्ते उनको दुआएं दे रहे होंगे और फिर आपस में जब मुलाकातें होंगी जन्नतियों की तब भी सलाम दुआ हो रही होगी और ये सलामती उनको किस लिए मिली क्योंकि दुनिया में उन्होंने गुनाहों से सलामत जिंदगी बसर की खाली हसुनत मुस्तकर्रम हमेशा उसमें रहेंगे कितना खूबसूरत ठिकाना कितना अच्छा मकाम याद रखिए ये दुआ घरों की असलाह की बुनियाद रखती है इसमें सिर्फ औलाद ही नहीं बल्कि अजवाज भी यानी शोहर और बीवी आज आप देखें कि हर दूसरे घर का ये मसला बना हुआ है कि घर में मिया बीवी की लड़ाइया जारी है इससे एक दूसरे के अंदर एक बेचैनी उदासी परेशानी कामों में रुकावट और कितनी बेशुमार खराबियां और सबसे बड़ी बात यह आप अपनी औलाद के लिए एक बेहतरीन नमूना होते हैं आप सिर्फ आपस में नहीं लड़ते बल्कि अपने बच्चों को एक बुरा नमूना पेश करके उनकी जिंदगी को भी जहन्नम बनाते हैं और फिर आप देखिए कोई और इंसान नाराज हो जाए तो उससे इंसान को इतनी तकलीफ नहीं होती हत्या के अगर माँ बाप भी नाराज होते हैं ना तो इंसान इतनी परवाह नहीं करता लेकिन अगर शोहर बीवी से या बीवी शोहर से नाराज हो तो इंसान की गम की इंतहा होती है किसी चीज में दिल नहीं लगता परेशानी छा जाती है और हर चीज बेमजा हो जाती चाहे खूबसूरत तरीन महल में आप रहते हो खूबसूरत तरीन लिबास आप पहनते हो बेहतरीन खाने आप खाते हो लेकिन अगर मिया बीवी का आपस में प्यार नहीं है आपस में इतफाक नहीं है आपस में एक दूसरे से खुश नहीं है तो जिंदगी की कोई खुशी खुशी नहीं होती तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दुआ से काम लिया जाए और जहाँ कहीं थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम हो जाएंगे और जहाँ बड़े मसाइल हैं और जहां मसाइल नहीं भी वहां भी ये दुआ पड़ी जाए ताकि घरों के अंदर एक खूबसूरती आए अरे अल्लाह ताला ने हमें मना तो नहीं किया कि दुनिया में हम मोहब्बत से जिंदगी ना गुजारें यानी हमें दुनिया में भी मोहब्बत चाहिए आपस की इतफाक और प्यार चाहिए एक मोहब्बत जो होती है वो इंसान की जरूरत होती है। एक दूसरे की केयर करना एक जरूरत होती है हर इंसान की और अल्लाह सुबह ने जोड़े बनाए क्यूँ मजीद में अल्लाह ताला तलामाते हैं विन आयात ही अन खल अन फुसिकुम अजवा जन तस्कुन वजुमत इन नफीजा लिखलायात और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारी ही जिन से तुम्हारे जोड़े पैदा किए या बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी गौर विकर करने वालों के लिए इसमें कई निशानियां हैं तो अल्लाह तआला ने शादी का मकसद क्या रखा है सुकून का हसूल और अगर शादी के बाद इंसान का पहला सुकून भी जाता रहे और सुकून ही लुट जाए और तकलीफ और परेशानी ही परेशानी हर वक्त रहे तो उसने क्या पाया तो शादी का मकसद ही बहुत हो गया ठीक है शादी के और भी कई मकासद हो सकते हैं लेकिन सबसे बुनियादी और अव्वल मकसद अल्लाह ताला ने क्या रखा है इस रिश्ते के अंदर एक दूसरे से सुकून मवदत और रहमत एक दूसरे से मोहब्बत भी करें और एक दूसरे पर रहम भी करें एक दूसरे का केयर करें एक दूसरे का ख्याल रखें एक दूसरे की जरूरत को पहचाने सिर्फ खुद गर्जी न हो कि मेरी मर्जी मेरा मकसद मेरा मतलब और मैं जो चाहूँ सिर्फ वो हो मेरे पास नहीं ये भी देखना होगा कि दूसरा क्या चाहता है और जिन कपल्स को यह समझ आ जाती है कि दूसरे की ख्वाहिश क्या है और वो दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो लाजमन दूसरा भी फिर उनकी ख्वाहिश पूरी करता है और एक खुशगवार ज़िंदगी में में आती है इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत नहल में भी फरमाया वल्लाहु और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से बीविया पैदा की और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते पैदा किए यानी अल्लाह ने उनसे तुम्हें औलाद दी और उसने तुम्हें पाकिजा चीजों से रिस्क अता किया क्या फिर भी वो बातिल पर ही मान लाते हैं और अल्लाह की नियमत का इनकार करते हैं यानी अल्लाह तला की नियमतों की ना करते हैं तो याद रखिये की घरों की इसलाह का इसार अजबाज की इसलाह पर है आपस के इतफाक पर है और औलाद की इसलाह से पहले जवाज की असलाह की बात है इबन अल्लान कहते हैं कि ये दुआ यानी अजवाज के बारे में शुरू होती है क्योंकि अगर अजवाज की असलाह हो तो औलाद की असलाह होती है यानी शोहर या बीवी की असलाह हो जाए वो एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक हो तो औलाद खुद ब खुद आँखों की ठंडक होती चली जाएगी और आंखों की ठंडक से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि एक शोहर अपनी बीवी को ज्यादा खूबसूरत देखे या तंदुरुस्त देखे बल्कि इस हाल में देखे कि वो अल्लाह की फरमा बरदार हो क्योंकि एक हदीस में आता है कि दुनिया मता है और दुनिया की सबसे बेहतरीन मताह नेक बीवी है यानी दुनिया में जितनी भी नियमते हैं उनमें से सबसे बड़ी नेमत एक मर्द के लिए क्या है एक नेक बीवी है एक अच्छी बीवी है और नेकी सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं होती नेकी अच्छे अखलाक का नाम होती है एक और हदीस में आता है ना कि जब एक औरत पांच वक्त की नमाज पढ़े रमजान के रोजे रखे और अपने शोहर की इताद करे जब वो उसको देखे उसको खुश कर दे तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए यानी इस ताल्लुक की बेहतरी और खूबसूरती का इतना ज्यादा एहतम किया गया है और फिर आप देखे के मुतकीन का इमाम बनने के लिए इंसान को पहले घर में अच्छा इमाम बनने की जरूरत यानी घर से बाहर आप उसी सूरत में अच्छे इमाम बन सकते हैं जब आप घर के अंदर खूबसूरती लाते हैं और उसके लिए कोशिश भी करते हैं देखिए कुछ रिश्ते हमें अल्लाह की तरफ से बने बनाए मिल जाते हैं जैसे माँ बाप का रिश्ता है माँ बाप से आपको अनकंडीशनल लव मिलता है आप अच्छा करें आप बुरा करें आप उनको खुश करें आप उनको सताएं आप उनके करीब हो आप उनके दूर हो वो आपसे मोहब्बत करते ही रहेंगे आप जिंदा हो आप मर जाएं हर सूरत में मोहब्बत करते हैं आपने देखा उन माओ को जिनका कोई बच्चा हो जाए, तो वो जिंदा को भूल गए उसी को याद करती रहती है जो चला गया। है करीब हो तब भी मोहब्बत करते हैं दूर हो तब भी मोहब्बत करते हैं माँ बाप की मोहब्बत अनकंडीशनल, लेकिन अजवाज की मोहब्बत कंडीशनल होती है अगर आप अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे अच्छे इंसान बनकर रहेंगे तो आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी लेकिन अगर आप अपने अखलाक को खो देंगे तो फिर उस मोहब्बत में कमी आनी शुरू हो जाएगी तो कुछ रिश्ते बने बनाए होते हैं और कुछ को बनाना पड़ता है उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है याद रखिए शादी जो है ये अम्बिया का तरीका है नेक लोगों का तरीका है हमारे दीन का शार है निकाह जो है वो निस्फीमान है यानी हमारे दीन में क्रिश्चानिटी की तरह ये नहीं है कि आप शादी नहीं करें आप नन बन जाए आप फकीर बन जाए और आप ज्यादा नेक है नहीं आप शादी करके ज्यादा नेकी कमा सकते हैं यानी इस्लाम जो है वो फितरी जरूरियात को मद्देनजर रखता है अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन आपसे पहले भी हमने कई रसूलों को भेजा और हमने उनके लिए बीवियां और औलाद बनाई यानी पैगंबर भी बीवियों वाले और औलादों वाले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है बस जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं तुम लोग शादी किया करो यानी शादी करना भी एक नेकी का काम है इबादत है क्योंकि मैं तुम्हारी तादाद की बिना पर सबका उम्मतों से कसरत में मुकाबला करूंगा। एक और से पता चलता है कि शादी ना करने वाला नबी मुंह मोड़ने वाला है आपको याद होगा कि वो तीन सहाबा जो नबी सल्लमत आयशा के पास पूछने गए थे की आपके अमाल क्या है तो जब उन्होंने बताया तो उनका वो तो अल्लाह के नबी है तो इसलिए एक ने कहा मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा दूसरे ने कहा मैं कभी रात को नहीं सोऊंगा तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा तो नबी सल्लल्लाहु सलम को जब ये बातें पता चली तो आपने अल्लाह ताला की हमदो सना की और फरमाया इन लोगों को क्या हो गया है जिन्होंने ऐसी और ऐसी बातें कही है मैं रात में नवाफिल भी पढ़ता हूँ सोता भी हूँ नफली रोजा रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ निकाह भी करता हूँ बस जो शस मेरे तरीके से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं यानी वो मेरी उम्मत में से नहीं है जो मेरे इस तरीके को पसंद न करे अल्लाह सुबहान तला ने खुद निकाह की रगबत दिलाई है वह अन के हुल अयामिन यही निकुम और अपने में से बेनिकाह मर्दों औरतों और और का निकाह कर दो और अपने गुलामों और अपनी लौंडियों में से जो नेक है उनका भी निकाह में देर क्यूँ करते है आमतौर पर के अभी बच्चे कुछ कमाते नहीं है फरमा अगर वो मोहताज होंगे अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह वस्सत वाला और सब कुछ जानने वाला है और फिर शादी वैसे भी आप देखे निगाह की हिफाजत का जरिया है शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है निस्फ दीन मुकम्मल करने का जरिया है हदीस में आता है, जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है लिहाजा चाहिए कि बाकी आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरता रहे फिर आप देखिये की सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में जन्नत में भी पाकिजा जोड़े होंगे वलहा अजवा जुम मुता पाकिजा बीवियां होंगी अहले जन्नत से कहा जाएगा उद खुल जन्नत अंतुम व अजवाज कुम तखरून तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम खुश रखे जाओगे फरिश्ते अहले ईमान और उनकी बीवियों और बच्चों के लिए दुआएं करते हैं क्या कहते हैं रब बना व अदखिल हुम जन्नत आदन

उनको भी अल्लाह ताला जोड़े अता करेगा और जिनके जौहर पहले फौत हो गए या बीवी फौत हो गई या एक नेक था और एक जन्नत में नहीं गया दूसरा जहन्नम में चला गया तो उनको भी अल्लाह ताला वहाँ जोड़े अता करेगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो तन्हाई का शिकार हो आइसोलेशन का शिकार हो क्योंकि इंसान की जिंदगी में अगर कंपेनियन होता है तो इंसान के लिए सुकून का बायस होता है और खास तौर पर अगर नेक बीवी हो कुरानी मजिद में आता है फसा लिहातो का ने तातन नेकतें वो हैं जो शोहरों की फरमा बरदार हों उनकी बात मानने वाली हूँ और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में उनके हुकूक की हिफाजत करने वाली यानी अपनी जान और माल की हिफाजत करे जब शोहर ना भी मौजूद हो फिर हमें ये कहा गया की पागदामन औरत ऐसी शादी की जाए औरत ऐसी शादी का मयार क्या रखा गया नबी सल्लाम ने फरमाया औरत से चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है उसके माल और दौलत की वजह से या उसके हसब नसब की वजह से या उसकी खूबसूरती की वजह से या उसकी दीनदारी की वजह से तेरे हाथ खा हा का लूद हो दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो क्योंकि अगर दीन वाली तुम्हारे घर में आएगी तो अल्लाह से डरने वाली होगी उसका अख्लाक अच्छा होगा उसके अंदर बिगाड़ नहीं होगा तुम्हें उसको बार बार नमाज की पाबंदी के लिए नहीं कहना पड़ेगा उसको नेकी की तरफ लाने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और फिर आप देखे की एक माँ के ऊपर होता है इतने बच्चों की क्या तरबियत करती है क्योंकि तरबियत औलाद बाप का हिस्सा कम होता है माँ का हिस्सा ज्यादा होता है अगर एक बच्चा अपनी माँ को नेक देखता है तो उसके अंदर एक नेकी की मोहब्बत पैदा होती है तो बहरहाल ये रिश्ते जो हैं, इनके लिए दुआ भी है और उसके साथ साथ इंतखाब भी अच्छा हो और फिर इनको बनाने के लिए कोशिश भी रहे अल्लाह ताला मर्दों को हुक्म देते हैं वह आशिरुन्ना बिल मारूफ औरतों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो यानी उनके हुकूक अदा करो और एक दूसरे से मोहब्बत करना जो है ये भी दीन का हिस्सा है उकबा बिन आमिर कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इस्लाम में जायज लहव में तीन चीजें आती हैं इंसान का अपनी बीवी के साथ दिल लगी में मसरूफ होना हंसी मजाक करना अपने घोड़े की देखभाल करना यानी उसके साथ टाइम स्पेंड करना और तीर अंदाजी करना बजाय देखा जाए तो ये टाइम वेस्टर भी हो सकते हैं लेकिन ये हमारे दीन में एक नेकी तस्वुर किए जाते हैं ये शगल जो है ये हॉबीज जो है ये पसंदीदा है फिर यह है कि शोहर और बीवी को एक दूसरे का हक अदा करना है क्योंकि ये हकूक अल्लाह ने एक दूसरे के जिम्मे रखे हैं और अल्लाह ताला के आमद के दिन पूछेगा बाजुकात एक बीवी ये कहती है कि मैं शोहर का हक नहीं देती क्योंकि वो भी मेरी फुला बात नहीं मानता या शौहर ये कहता है मैं बीवी का हक हाँ नहीं देता क्योंकि मेरी वो फला बात नहीं मानती नहीं जब तक आप इस रिश्ते में हैं दोनों को एक दूसरे का हक हाँ देते रहना चाहिए और क्यों देना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए नहीं कि शौहर खुश होगा या बीवी खुश होगी इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है इसलिए मुझे ये काम करना है और जब आप रब को राजी करते हैं तो रब बंदों को भी आपसे राजी कर देता है फिर इसी तरह यह है कि एक दूसरे से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना नबी सल्म ने फरमाया ईमान के लिहाज से कामिल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है और तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और एक रिवायत में बीवियों के लिए अच्छा है इसमें आप कि लोग घर से बाहर तो हर एक से बड़ा अच्छा अखलाक रखते हैं लेकिन घर में मुंह बना के रखते हैं तो ये अच्छी अखलाक की अलामत नहीं अल्लाह तला ने जो क्राइटेरिया दिया है वो क्या है की सबसे अच्छा वो है जिसका घर में अखलाक अच्छा है फिर इसी तरह यह है कि बदजबानी नहीं करनी चाहिए फिर बीवी के जिम्मे हैं कि शोहर की बात मानने के अलावा शोहर के माल और औलाद की हिफाजत करने वाली हो उनको जाया ना करे साबिर और शाकिर हो शोहर की जिम्मेदारी क्या है कि घर वालों पर खुशी से खर्च करे और नबी अलैहि सल्लाम ने फरमाया जो शख्स अपने ऊपर खर्च करता है ताकि वो उसके जरिए लोगो ऐसी मांगने ऐसी बचे वो उसके लिए सदका है यानी आप अपनी पर्सनल नीड्स के लिए स्पेंड करते हैं ये भी सद है जो शख्स अपनी बीवी और बच्चों और अपने घर वालों पर खर्च करता है वो भी सद का शुमार हो जाता है यानी शहर के नाम अमाल में वो नेकी लिखी जाती है कि ये अपनी बीवी पर बच्चों पर खर्च करने वाला है फिर इसी तरह अच्छे गुजरान का उसूल क्या है की एक दूसरे की अच्छी आदतों पर नजर रखी जाए और बुरी आदतों को इग्नोर किया जाए अगर हमने ये इक्वेशन बदली की बुरी आदतों को हर वक्त हाईलाइट किया तुम ये नहीं करती तुम ये नहीं करते तुम ये नहीं करती तुम, तुम ये नहीं करते तो फिर जिंदगी जहन्नम बन सकती है क्योंकि हर वक्त अगर इंसान इसी में कुड़ता रहे कि इस शख्स में क्या खराबी है क्या नहीं है क्या कौन सी बुराई है कौन सी गलत आदत है और उसी पर लड़ाई झगड़ा करता रहे तो जिंदगी में इंजॉयमेंट नहीं रहती बल्कि इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कोई मोमिन शख्स किसी मोमिन औरत से ना रखे यानी बीवी से नफरत नहीं करनी चाहिए अगर औरत की एक आदत नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंद होगी तो क्या मतलब है कि नापसंद बात को छोड़ो जो पसंदीदा है उस पर नजर रखो फिर इसी तरह यह है कि नेक औलाद के लिए भी कोशिश के अलावा और दुआएं भी हमें सिखाई गई हैं, जैसे उनकी पैदाइश से पहले ही दुआ करना रबी हबली मेरे रब मुझे नेक औलाद अता कर यानी अभी औलाद हुई नहीं लेकिन पहले से ही दुआ मांगना शुरू हो जाए इंसान अला मुझे नेक औलाद देना और फिर ये कि शादी के वक्त ऐसी औरत का इंतखाब करना जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत हो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो यानी ये हमारे दीन में पसंदीदा चीज है फिर इसी तरह शादी से मिलने वाली जो नेक औलाद है उसका फायदा क्या है कि वो मरने के बाद वालदेन के लिए दुआएं करती है और माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाती है और ये वालदेन की दर्जात की बुलंदी का जरिया बनता है जहाँ तक औलाद की तरबियत का ताल्लुक है तो औलाद के बारे में सवाल होगा यानि माँ बाप दोनों ऐसी पूछा जाएगा की उन्होंने उनकी तरबियत में क्या कोशिश की फिर इसी तरह औलाद का पहला हक क्या है हदीस में आता है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नुत्फों के लिए अच्छी औरत का इंतखाब करो यानी नेक औरत का इंतखाब करो और दीन में हम पल्ला औरतों से निकाह करो और हम पल्ला मर्दों को अपनी बेटियों का निकाह करके दो फिर इसी तरह अच्छे बाप का इंतखाब रसूल अल्लाह ने फरमाया जब ऐसा शख्स तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम मुतमैन हो तो उससे अपनी बेटी का निकाह करो यानी ओबाश, अवारा लड़के हों तो फिर उनके साथ शादी नहीं करो क्यूँकी शादी के बाद क्या होगा आपकी बेटी को मुसीबत में डाल देगा फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और जबरदस्त फसाद बर्पा होगा यानी फिर फसाद ही फसाद बिगाड़ ही बिगाड़ फिर तो इसी तरह बिलादत से पहले शैतान से हिफाजत की दुआ सिखाई गई कि जब शौहर बीवी एक दूसरे से मिले तो दुआ पढ़े जैसे हजरत मरियम की वालदा ने दुआ पढ़ी थी वह इन बिका वह जरूरी कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मैं इस बच्ची को भी और इसकी आइंदा आने वाली जरूरीत को भी तेरी पनाह में देती हूँ शैतान से बचा फिर ये बच्चों को सबसे पहले तोहिद सिखानी चाहिए बचपन से ही बच्चों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए दीन की तालीम सीखने में रगबत दिलानी चाहिए अच्छे अखलाक की तालीम देनी चाहिए